नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में दो चरणों के मतदान के बाद आज सुबह सुबह राजनीतिक रोष देखने को मिल रहा है। दरअसल समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के एक युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। वो अस्पताल में है, हालांकि उनकी मौत की खबर नहीं आई है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले जब चुनाव होने थे उससे पहले भी दो तीन जगहों से ऐसी खबरें आई थी कि गोली लग गई है, यहां तक कि प्रत्याशी की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद से सियासी गलियारे में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली थी। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह जब कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से युवा क्रांतिकारी पार्टी प्रत्याशी जब मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले, तो इस बीच बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में घायल होने के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर में घटी घटना के बाद से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं पुलिस ने अस्पताल में आकर पीड़ित को देखा, फिर घटना स्थल का मुआयना कर बदमाशों की खोजबीन के लिए पूछताछ में जुट गई है। घटना सर घर से निकले बाथरूम के लिए, बाथरूम रोड के किनारे बाथरूम करे था, उनके 10 कदम की दूरी पर थे। दो बाइक से चार जवान आए, उनसे बात करने लगे। हमको लगा कि कोई अपनाता है। बात करते करते वो गन निकाला और पैर में गोली मार दी। पैर में गोली मारा, उसके बाद हम जैसे ही हम गन निकाले जाते वो फरार हो गया सर। निकल पहचान नहीं पाए सर, पहचानते हैं उनको कौन था। कितने की संख्या में थे सर? सर वो चार थे, दो बाइक थे। तो आप इसकी सूचना कैसे, इसकी सूचना प्रशासन को दी है? प्रशासन को हम तुरंत फिर मुफस्सिल थाना फोन किए, मुफस्सिल थाना में इंस्पेक्टर साहब के पास फोन किए। वो अपना फिलहाल उठाया, टेम्पो बुलाया, टेम्पो से फिर हम सदर अस्पताल तुरंत लेके आए सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम राहुल कुमार। घटना के बाद जहां इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है, वहीं एक बार फिर चुनाव के समय रंजिश को लेकर हुई गोलीबारी से राजनीतिक गलियारों में हिंसा और हत्या की बात चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मतदान के पूर्व गोली लगने की घटना सामने निकल कर आई थी। सीतामढ़ी से एक घटना आई थी और इसके साथ ही जाप के एक प्रत्याशी को भी गोली लगने की घटना सामने निकल कर आई थी। और एक बार फिर से दो चरणों के शांतिपूर्ण मतदान के बाद आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी को गोली लगने की वारदात सामने निकल कर आई है। और अब फिर से एक बार जरूर ही उस पर सियासी बयानबाजी जोरों पर होगी। लगातार ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।